हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे के हलवे की बहुत ही शानदार रेसिपी, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। ये नॉर्मल गेहूँ का आटा है जिससे कि हम रोटी बनाते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है और घी की मात्रा जो है चीनी से थोड़ी कम है, मतलब आटा और चीनी हमें बराबर मात्रा में लेना है और घी जो है हमें इन दोनों से थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना है। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी सेम साइज़ की ली है, आप 1 ही कटोरी से मेजरमेंट करें। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है। सबसे पहले आप कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दें। कढ़ाई गर्म होने के बाद आप इसके अंदर डालें घी। घी को आप अच्छे से गर्म होने दें। आप चाहे तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है आटे के हलवे का। इसका टेस्ट सेम वैसा ही लगेगा जैसा कि हम लोग मंदिरों में प्रसाद के रूप में खाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब देखिए, हमारा घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। आप घी अच्छे से गर्म होने दें और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हमारा गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही होना चाहिए। आप हाई फ्लेम इसमें एक भी बार किसी भी टाइम पे भी ना करें। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रहेगा। हम इसे मीडियम फ्लेम पर आटे को इस तरह से सेकते जाएंगे। मैंने यहाँ पर आटा जो है घी के अंदर डाल दिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका था हमारा। अब हमें कंटिन्यू लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए जाना है, वरना हमारा आटा जो है वो जल सकता है या फिर नीचे चिपक सकता है। ये सारा काम हमें लो फ्लेम पर ही करना है। जितनी ज़्यादा देर तक और जितनी कम फ्लेम पर हमारा आटा पकेगा सीकेगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट और कलर आएगा। कंटिन्यू 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए, लेकिन अभी भी इसे बहुत डार्क करना बाकी है, क्योंकि इसका कलर जितना ज़्यादा डार्क होगा ये उतना ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगेगा। प्लस ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट में तो अच्छा लगेगा ही। ये अभी आपको वाइट लग रहा है, अभी इसे थोड़ा और डार्क करना है। अब कंटिन्यू अभी इसे चलाते जाएंगे। ये देखिए, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए। हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते हुए जाना है। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर पहले से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मैंने पानी पहले से ही बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया था मैंने। और यहाँ पर मैंने जितनी कटोरी आटा लिया था उसका 3 गुना हमें इसके अंदर पानी डालना होता है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसी कटोरी के नाप से 3 कटोरी पानी डाला है, जो कि मैंने पहले से उबलने के लिए रख दिया था जिस टाइम पर हम लोग आटे को सेक रहे थे। गर्म पानी डालने से होगा ये कि इसमें गुठली नहीं पड़ेगी। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं, आप इसमें चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी डालने से इसमें गुठलियाँ बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हलवे में एक भी गुठली नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर गर्म उबलता हुआ पानी लिया है। आप भी प्लीज़ गर्म पानी ही लें, इससे आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ईजीली मिक्स भी हो जाएगा, वरना इसमें इतनी सारी गुठलियाँ पड़ जाएगी आपको बहुत टाइम लग जाएगा गुठलियों को फेंटते फेंटते। ये देख सकते हैं आप, इसके साइड में भी जो है थोड़ा घी जो है छूटने लगा है। इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि घी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये हलवा जो है घी सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप इसे सर्व करेंगे, सर्व करते हुए आप देखेंगे कि ये घी भी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये गाढ़ा होने लगेगा। बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अब हम इसे चलाते जाएंगे, 5 से 7 मिनट और लगेंगे इसे बनने में। चीनी डालने के बाद आप इसे देखेंगे कि थोड़ा सा और लिक्विड हो जाएगा, प्लस इसका कलर भी पहले से डार्क हो जाएगा, क्योंकि चीनी डालने के बाद हलवे का कलर थोड़ा सा और डार्क हो ही जाता है। ये देखिए हमारे हलवे का कलर कितना शानदार लग रहा है। अब आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं डालें। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम लिए हैं, आप चाहें तो इसके अंदर काजू और बादाम दोनों ही डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं डालें, ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 इलायची का पाउडर भी डाला है, इससे कि हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको लगता है कि हलवा बनने के बाद भी इसमें घी थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो आप घी को साइड कर लें, क्योंकि यही घी जो है आपके दूसरे हलवे में भी काम आ सकता है, काम आ जाएगा। या फिर आप इसे आटे में मोयन में भी डाल सकते हैं, मोयन के रूप में भी। बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो होता है, जैसे कि मंदिरों में जो प्रसाद के रूप में हलवा
बनता है सेम वैसा ही। आप हलवे की थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड पसंद है तो ये बिल्कुल सही स्टेज है गैस ऑफ करने की। अगर आपको थोड़ा सा और गाढ़ा खाना है हलवा तो आप 2 से 3 मिनट और इसे पका लें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और थिक खाना है तो इसे थोड़ा सा और थिक कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है अगर आप मेरे मेज़रमेंट से बनाएंगे तो। बिल्कुल परफेक्ट है, जो फर्स्ट टाइम बना रहा है जो बिगिनर्स है वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब ये गर्मा गर्म आटे का हलवा इस ज़बरदस्त ठंड में सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस ठंड में आप इस हलवे को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं हमारा हलवा सर्व करने के बाद पहले से थोड़ा सा और ठीक हो गया है। आपको मेरे इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।